सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है जनाब मजादुल हक साहब। आइए मिलकर अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मजाद साहब का स्टूडियो बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। मजाद साहब, जैसा कि मैंने कहा अभी शुरू में तमहीद मैंने कहा कि बाप का, ये नहीं बाप का कोई मर्तबा कम है या कुछ है, ये बाप जो है उस वक्त में आकर के एक तो वो हमारे लिए तमाम तर मशक्क़तें तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त करता है, दुनिया की तमाम तर अजियतें तकालीफ बर्दाश्त करता है, हमारे पालने पोसने में उसका भी हिस्सा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खोसा गया है। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक बात है, बिल्कुल आपकी ऐसा ही होता है माशरे में कि अक्सर माँ के तो फ़ज़ाइल भी और उसके हकूक़ भी और उसके दर्जे भी बयान होते रहते हैं, लेकिन बाप के ऊपर बात कम होती है। जबकि माँ और बाप दोनों का रिश्ता बड़ा अहम है। कुछ जिम्मेदारियाँ बाप को दी गई, कुछ माँ को दी गई। जी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत जहाँ बताई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया। असल में जो सवाल आपका है उसमें एक बहुत बड़ी वजह एक्सप्रेसिव होने की है। माँ एक्सप्रेसिव होती है जी, लाड करती है बच्चों का, चिपटा लेगी, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा पुत्र, जी जी, और जी। कितना खूबसूरत लग रहा, कितना, मतलब जो जो उसके दिल के जज्बात होते हैं वो जाहिर कर देती है। जी, बाप में एक चीज़ होती है, एक हल्की सी अना होती है मर्दाना, वो उस वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। हालांकि मोहब्बत उसे ही बहुत होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाता उसे। जी, हालांकि कोई बाप ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मेरा बेटा मेरे से लंबा हो, या मेरा बेटा मेरे से बड़ा बिजनेसमैन बने, मेरे से ज़्यादा पैसे वाला, मेरे से ज़्यादा कामयाब बने, मेरे से ज़्यादा ऊँचे अहदे पे हो। हर बाप यही चाहता है। ये एक रिश्ता ऐसा है कि बाप ही ऐसा है या वालिद ही ऐसा है जो अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ता देखना चाहता है। हाँ हाँ। चाहे कोई सगा भाई भी, कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके का होता है। नहीं, भाइयों कोई रिश्ता नहीं है जी इसके अलावा, माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो टेक एंड गिव वाला ना हो। माँ बाप ऐसे हैं जो सिर्फ देते ही देते रहते हैं जी, ये गिविंग होते हैं, कभी इन्हें कोई तवक्को नहीं होती औलाद से जी। आप ये देखिए कि अगर लोग ये कहते भी हैं कि बुढ़ापे में जो है वो सहारा बनेगा, इसलिए उसकी तरबियत या उसकी तालीम का या उसकी मतलब परवरिश का इंतज़ाम किया जा रहा है, उन माँ बाप को देखिए आप जिनके माजूर बच्चे होते हैं, वो तो माजूर बच्चों को भी उसी तरह पालते हैं। उन्हें तो कोई तवक्को, इस तरह की भी कोई तवक्को नहीं कि बुढ़ापे में किसी काम आ सकें, बल्कि उनकी और ज़्यादा केयर करते हैं, और ज़्यादा केयर। आप ये देखें कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग घर में माजूर बच्चे हो जाएं तो बाप किस तरह उन्हें लिए लिए फिरता है, किस तरह से परेशान रहता है कि किस तरह से इनका इलाज करा दूँ, किसी तरह ठीक हो जाए। हाँ, बस ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें पता होता है कि ठीक नहीं होने वाले, लेकिन एक अपने आप को समझाने वाली बात है। जो अब नॉर्मल बच्चे अल्लाह की तरफ से नॉर्मल ना हो गए हैं उन्हें कौन ठीक कर सकता है? क्योंकि हम जो भी तबीब हैं दुनिया में, डॉक्टर हों, हकीम हों, जो लोग भी हैं वो मैकेनिक हैं, मेकर नहीं है। जी जी, सही, मेकर अल्लाह है। जब मेकर ने ठीक करके ना भेजी हो कोई चीज़, तो मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर सकता। कोई भी आप उठा के देख लें प्रोडक्ट तो, लेकिन बाप फिर भी उसे लिए लिए फिरता है। अक्सर आपने माशरे में देखा होगा, ये अल्फाज सुने होंगे कि एक बाप मिलके सात आठ बच्चों को पाल लेता है, लेकिन सात आठ बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आप ये देखिए कि बाप हो या माँ हो, या बचपन में किस तरह बच्चों के लिए सब कुछ, उनका पॉटी हो, पेशाब हो, खाना पिलाना हो, चलना, उठना, बैठना, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, बाप रात रात भर मजदूरियाँ करेगा, सफ़र करेगा, मतलब कितनी मेहनतें और रिश्तेदारों की ताने सुनेगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। बच्चे ने अगर 50 रुपये की चॉकलेट मांग ली तो बाप के जेब में अगर 10 का नोट है तो किसी भी तरह अरेंज करके कोशिश करेगा कि मेरे बच्चे की तमन्ना पूरी ना भी हो सके तो कोशिश करता रहेगा। हाँ, मैं कि 50 की चॉकलेट इसे दिलवा दूँ। लेकिन बच्चों का मामला यह है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे में आगे जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें अगर बाप की खिदमत कोई बच्चा कर भी रहा है, उसकी पॉटी पेशाब करना भी पड़ा उसकी मजदूरी की वजह से, अगर सादतमंद है, फर्मा बरदार है, तो कुछ नहीं बोलता, तो आसपास के रिश्तेदार आके कहने लगते हैं कि लो जी बुढ़ापे में औलाद के गले पड़ गया या कंधे पड़ गया, अल्लाह इसके पर्दे ढक ले। आपने किसी माँ बाप को नहीं सुना होगा कि मेरी औलाद मेरे गले पड़ी हुई है, माजूर है, इनका पॉटी पेशाब करना पड़ता है कि अल्लाह इनके पर्दे ढक ले। माँ बाप कभी नहीं ये दुआ करते, बल्कि औलादों से तो मैंने सुना है, मेरे पास आते हैं जी, आप यकीन करें ये अल्फाज दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जी बहुत परेशानी में हैं,
बहुत ज़्यादा इस टाइम बीमार हैं, पोटी पेशाब निकल जाता है बिस्तर में, और आप दुआ कर दो किसी तरह से उनके लिए जो बेहतर हो, मकसद वही होता है कि इनकी मौत हो जाए। लेकिन आज तक एक भी माँ या एक भी बाप नहीं आया कि उन्होंने मुझसे ये कहा हो आगे कि जी दुआ कर दो कि हमारे बच्चे की पर्दे ढक जाए। तो ये होता है फ़र्क असल में। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 जगह कुरान में अपने हक़ के बाद माँ बाप का बयान किया है, और बहुत तफसील से, और हदीसों में भी बहुत बार ये बात आई। असल में बात यह है कि अल्लाह ने अपने हक़ के फ़ौरन बाद क्यों बयान किया? अल्लाह खालिक है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुहाफिज है। आप ये देखिए कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, वो खालिक है, उसने तख्लीक किया इंसान को, लेकिन यहाँ जो तख्लीक किया है वो माँ बाप के ज़रिए। तो इसलिए वो खालिक होने का जो दर्जा यहाँ अल्लाह ने दिया वो माँ बाप को दिया। इसी तरह अल्लाह राजी है, वो वहाँ से रिजक का इंतज़ाम करता है, लेकिन यहाँ जो इंतज़ाम करते हैं वो माँ बाप करते हैं बच्चे के रिजक का। इसी तरह से माँ बाप जो हैं वो मुहाफिज हैं। अगर बच्चे कहीं दंगा कर रहे हो, खेल रहे हो, कोई पूछे भाई ये किसके बच्चे हैं, फ़ौरन बाप कहेगा मेरे। यकीन, तो मालिक और मुहाफिज भी वो है। तो इस वजह से अल्लाह ने अपने 5 जगह अपने हक़ के फ़ौरन बाद अब माँ बाप के हक़ बयान किए। ना साहब, देखिए जहाँ पे दोनों अभी बुढ़ापे को पहुँच गए, माँ और बाप जो है, या अब वो तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो क्या करता है, मर्द अपनी बीवी से अपनी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है उस वक्त में। उस वक्त तो ऐसी ज़रूरतें भी नहीं रहती, लेकिन उस वो अपनी अच्छी बुरी बात हर वक्त अपनी बीवी से कह लेता है उस वक्त। जी जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों से एक दूरी बनी रहती है, और वो चाहता बच्चे भी कुछ देर आकर के उसके पास बैठे। तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे जो बच्चे अपने वालिद को तो वक्त नहीं दे रहे, या आए और घर में अदबन सलाम भी किया और चले गए, फिर अपने अपनी फैमिली के साथ बैठ गए? ना ना, बहुत असल में तो बात यह है कि उस उम्र में तो कम से कम बच्चों को भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उन्हें ये अपने बाप के सामने इस बात को जाहिर करना चाहिए कि हम आज जो कुछ हैं वो हमारे बाप की वजह से हैं, हमारे बाप की मेहनत। आप ये देखें ना, बाप ने आपके टाइम पे किस तरह से इंतजाम किए कि आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपका ईमान, आपकी इज्जत सब उसकी वजह से बची हुई है। आप देखें जिनके माँ बाप नहीं होते या बाप नहीं होते ख़ास तौर से, वो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं क्योंकि तरबियत ही नहीं हो पाती, तालीम तरबियत का कोई निज़ाम नहीं होता। तो बाप के लिए एक्सप्रेसिव होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मैं सऊदीया गया, मैंने वहाँ देखा एक हमारे उस्ताद हैं वसीउल्लाह अब्बास साहब, जब मैं उन्होंने मेरी दावत की उनके घर, तो उनके बच्चे जब आए हैं ना काम से शाम को, तो उन्होंने आके पहले उनके हाथ का बोसा लिया, फिर माथे का बोसा लिया। ऐसी मेरी तबीयत खुश हुई देख के, मैंने देखो ये थैंकफुल हैं अपने बाप के लिए, और एक्सप्रेसिव हैं, जाहिर भी कर रहे हैं कि हमारा बाप हमारे लिए सब कुछ है। ये सिलसिला असल में हुजूर ने क्या फरमाया कि हिकमत जो है मोमिन की खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से मिले ले लो। अगर आपको गैर मुस्लिम माशरे से भी अगर कोई चीज़ ऐसी मिल रही जो हमारे यहाँ शिरक नहीं है, तो बिल्कुल आप ले लो। सब अरब के इलाके से आपको मिल रहे, हमारे हिंदुस्तान में चीज़ नहीं है, ले लो। तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेसिव होना है, एक्सप्रेशन पेश करना है, जज्बात पेश करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बापों को भी चाहिए। मैं तो अपने भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी कभी अपने बच्चों को चिपटाया करें, चूमा करें, जवान बच्चों को। आपके लिए तो वो भी बच्चे ही हैं, अगर वो बड़े हो भी गए और अपने काम वाम में भी लग गए, शादी भी हो गई उनकी, उसके बाद भी आप उन्हें चिपटा के चूम के देखना। और औलाद को भी चाहिए कि आगे किसी दिन वालिद को चिपट जाए, 2-3 मिनट तक छोड़े ना, सुकून से अपने दिल से उनका दिल लगा ले, और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद आप देखें कैसी ठंडक मिलती है आपको अपनी औलाद को गले लगा के, औलाद को बाप को गले लगा के। फिर पूछ भी लें वालिद से, वालिद का दिल इतना बड़ा हो जाएगा। जाहिर करें जब वो बैठे हुए उनकी तारीफ़ें करें कि हमारे बाप ने इस तरह किया, बचपन से लेके अब तक हमारे साथ इस तरह मामला करके चले कि हमें यहाँ डांट दिया, वहाँ मगर ना रुकते। मैं तो आज भी देखता हूँ, अपने वालिद को याद करता हूँ, हालांकि उनकी डेथ को 40 साल के करीब हो गए, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि उनका जो टोकना था मेरे लिए आज कितना काम आता है, किन किन हराम कामों से वो मुझे बचा के गए, किस तरह रोक के गए। नसीहत, तरबियत, मुहाफिज, जो तमाम तरह आपने जो वो हर चीज़ वो हमारी नसीहत भी कर रहा है, हमें तरबियत भी दे रहा है, और हमारा मुहाफिज भी है। मजा साहब, अब मैं फिर उधर बात कर रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर होता क्या कि उम्र को पहुँच गए, बड़ी उम्र को पहुँच गए हो हमारे वालिद साहब या जो वालदैन हैं उसमें से वालिद साहब की खासतौर से बात, अब उसने अपने घर पर जब तक हमारी तरबियत हुई, हम बड़े हुए, हम अब इस काबिल हुए कि हमारी शादी हुई, उसने उस घर पर हुक्मरानी की है 60 साल की एज तक, 55-60 साल की एज तक। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं,
अब वो उसका लड़का जो है वो हेड ऑफ द फैमिली बन रहा, वो तमाम अखराजात उठा रहा है। अब वो जब वो किसी बात में मशवरा देता है ना किसी उसके बारे में, तो उसे वो थोड़ा सा नागवार गुजरता है। वो असल में ये आजकल मादियत का दौर है, पैसा सब कुछ है। असल तो बात यह है हर चीज़ से ऊपर अपने माँ बाप होने चाहिए, ख़ास तौर से बाप का जो दर्जा अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए इस तरह बयान किया है कि एक सहाबी आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा माल मेरा बाप लुटाता रहता है। जी जी, जी। तो हुज़ूर ने बाप को बुला लिया और पूरा वाक्य सुनने के बाद जब बाप ने कहा कि हुज़ूर जब ये छोटा था तो मैं साई साई रात इसके बाद बैठा रहता था, इसकी तमाम ख्वाहिश है, तो हुज़ूर ने उन सहाबी के छाती पर हाथ मारे कहा कि तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के हैं, तो हमारी तमाम इज्जतें हों, हमारा रुतबा हो, हमारा माल हो, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे बीवी बच्चे हों, उन सबसे ऊपर हमारे माँ बाप होने चाहिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल में ये बात खोल के कह दी कि तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुँचे तो उनके सामने उब भी ना करना, कंधे झुका के रखना। वहाँ उन आयतों से जो तस्वुर निकलता है कि एक गुलामी का तस्वुर निकलता है कि अगर आपके अब्बा आवाज दें तो आपके हाथ बंधे हों, जी अब्बा हुजूर, आपकी अम्मी आवाज जरिए तो शायद आखिरत हाँ, जो है इकट्ठा करो। ये है असल बात, बाप को जन्नत का दरवाजा बताना है। मतलब आप कहीं किसी भी ट्रेन में जाएं, जहाज में जाएं, बस में जाएं, पहले टिकट लेना होता है जी। जन्नत का दरवाजा बताया, जन्नत का टिकट है आपका बाप। अगर आप इस दुनिया में अपने बाप को राजी रख लेंगे, एक हदीस ये भी मिलती है, हुजूर ने फरमाया बाप की रजा में अल्लाह की रजा और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। बाप की दुआ जल्दी कबूल होती है बनिस्बत माँ के। मैं आपको कुरान से मिसालें देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जो नाफरमान था, कनान, बहुत उन्हें समझाया, डूबते हुए भी ये कहा कि तू मेरे पास आ जा बच जाएगा, उसने ना मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, उसने नाफरमानी की बाप की तो उसे डुबो दिया गया। जी इसी तरह से एक और किस्सा है इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, वो फरमाबरदार बेटे थे। हाँ, तो उन्होंने अपनी गर्दन पेश कर दी बाप के सिर्फ एक ख्वाब के नतीजे में, उन्हें अल्लाह ने नबी बना दिया। तो बाप की फरमाबरदारी की वजह से एक किस्सा ये कुरान में आता है कि उन्हें नबी बना दिया गया। एक नाफरमान था उसे पानी में गर्क कर दिया, जहन्नुम का ईंधन बना दिया गया, और एक को नबी बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी, मतलब जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसी उसमें से औलाद में से उन्हीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूसा अलैहिस्सलाम का मामला हो, माँ के मामले में वो किस्सा इंशाल्लाह माँ का कोई एपिसोड होगा उसमें बताऊंगा आपको। अभी तो बाप की उसकी बाप का जो मामला है उसमें कुरान ये कहता है बनी इसराइल में कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, 23 से 24 नंबर आयत है, और माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो, दोनों बुढ़ापों को पहुँचे तो उनके सामने उफ भी ना करो बल्कि बाजू पस करके रखो और उनके लिए दुआ करते रहने का हुक्म है। अगर आप अपनी नमाजों के बाद या अपनी दुआओं में माँ बाप को आप शरीक नहीं करते तो आपकी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुँचती, ये भी साबित है रिवायतों से। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ करना, उनके एहसानात, उनके लिए थैंकफुल होना अपने दिली दिल नहीं में। उनके एहसान नहीं उतार सकते हम चाहे, देखिए इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने फौरन बाद अभी आपने बताया 5 जगह वालदैन का मर्तबा बयान किया कि वालदैन का हक बयान किया। मैं बात वालिद की कर रहा हूँ, अभी माँ की तरफ तो आ ही नहीं रहे। अब मैंने जैसा भी कहा था कि उसके 60 साल की ज़िंदगी उस घर पर हुक्मरानी करते हुए गुजरी है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़ोफ़ की तरफ पहुंचा, ज़ईफ़ हो रहा है। अब वो उसने बिग बिस्तर पर, अब उसकी ज़्यादातर कोई मशगूलियात रही नहीं सिवाय अल्लाह अल्लाह इबादत करना। अब लेकिन उसकी एक आदत है कि हर चीज़ के अंदर, क्योंकि फैसला फाइनल डिसीजन उसका होता था घर के अंदर, उसने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी इस तरह से मजा साहब। अब वो भले से उस वक्त, क्योंकि एक ये भी होता कि आदमी की अक्ल जो है वो बच्चे की तरफ चली जाती बचपन की तरफ, अब वो किसी चीज़ के बारे में रिजिट कर रहा भले से वो घरेलू मसला, मैं समझ लो कि बाप एक तरह गलत ही बात कर रहा, तो उसको एक झिड़कना, एक किस तरह से समझाना या उसकी बात को इस तरह से इग्नोर करना कि हमारे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, उसको इस बात कैसा उसके कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुंचती तो उसका क्या असर होता है। दीनदारी की जरूरत है यहाँ पे, मैं वो कह रहा हूँ उस बच्चे की जिंदगी पे, हालांकि वो कोई बेहरमती नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वो क्या उसके फिर भी इतने पर भी जहाँ पे ये कहा गया कि अगर आप शफक्कत से एक माँ बाप के ऊपर निगाह डालो तो एक मकबूल हज का सवाब है, समझे। तो अब जो उसके भले एक दिल में कसक सी हो गई, उसने फिर भी बच्चा होने की बद्दुआ नहीं, लेकिन दिल में कसक तो पैदा हुई कि मुझे इग्नोर कर दी मेरी बात को, असल में अल्लाह तो बात सुन ले या कुछ कर ले, किस तरह से उसका उन्हें फिर भी मोहब्बत और प्यार से समझाना है। आपने जो हदीस पेश की ना अभी कि एक बार मोहब्बत से देखने का सवाब एक मकबूल हज के बराबर है, इसे मैं पूरा कर दूं, तो एक साहबी ने जिसारत करके पूछ लिया,
अगर हुजूर 100 बार देखे मोहब्बत से तो हुजूर ने फरमाया 100 बार बहुत बड़ा है, 100 है। तो माँ बाप का जो मामला है और बाप का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, असल में होना ये चाहिए कि औलाद को इस बात को अपने अंदर पेवस कर लेना चाहिए कि हमने अपने बाप को ऊपर ही रखना है हर जगह, हर हाल में, रिश्तेदारों के सामने, अपने बच्चों के सामने, तो वो फिर उसी तरह से उसे ट्रीट करेंगे। वजह यह है कि आप, मैं भी एक प्रोग्राम में किसी बात पे, एक जितेंद्र हुए हैं फिल्मों में एक्टर, वो ये बता रहे थे कि मैंने कामयाब होने के बाद कम से कम 30-35 साल तमाम अपनी कमाई अपने बाप को दी जब तक वो जिंदा रहे, और जिसको भी मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मुझे खर्चा लेना होता था तो उनसे लेते थे, क्योंकि वो पहले से खर्च करते चले आ रहे थे और वो करोड़ों रुपए होते थे। अच्छी बात तो हम कहीं से भी ले ले सकते। उसके बाद उन्होंने फिर ये और आगे बात बताई, उनके बच्चे फिल्मों में ही हैं या टीवी सीरियल वगैरह में, बता रहे थे कि वो बहुत कामयाब हैं और उन्हें पता नहीं कितना पैसा है उनके पास, लेकिन आज भी वो तमाम पैसे ला के जितेंद्र के हाथ में देते हैं और फिर जितेंद्र ही सबको खर्च देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे जितेंद्र होंगे इस टाइम 80 के करीब मेरे ख्याल में, क्योंकि हम बचपन में देखते थे उन्हें, तो उस टाइम अब उनकी वो पोजीशन बनाए रखना ये उनके बेटों की, उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। तो आज बूढ़े जो लोग हैं उनको इज्जत दिलाना अपने घर वालों से, असल में तो बूढ़ों को भी ये चाहिए कि ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। असल में लेकिन फिर भी अगर वो मिजाज बना होता उसका, और अपने मिजाज को भी बदलना चाहिए बच्चों के हिसाब से, घर के हिसाब से, घर के माहौल को बचाना भी घर के सरबराह का ही काम है। असल में एक तरफा बात नहीं कर सकते हम, बाप को भी ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ नजायज दखल अंदाजी कर रहा हूँ। कुरान ने भी ये बात कही, जिस सत्ता जो है ना, जिससे कहते हैं ना पावर मुंतकिल हो गई, मेरी बात सुनो, आप जिस आयत का मैं हवाला दे रहा हूँ ना, उसमें अल्लाह ने ये बात कही है कि अगर ये अल्लाह के खिलाफ तुमसे कोई बात कहें तो वो नहीं माननी। ठीक है, इसलिए अपने माँ बाप की तमाम बातें मानने की कोशिश करें जो जायज़ हैं और अल्लाह उसके रसूल की हदों में है, लेकिन जो हदों से बाहर हैं वो किसी भी कीमत में नहीं माननी, उन्हें प्यार से मना करना है। एहतराम का मामला जो है वो काफिर, अगर माँ बाप काफिर भी हो, वही तो चाह रहा था मैं। हाँ। कि एक तो हमने कोई ये सोच कर कि माँ बाप है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनका दिल वो होगा, तो हमने उनकी बात को जो है काटा वैसे नहीं करा, लेकिन इग्नोर करके चले गए, लेकिन उसे एहसास तो हुआ ना इस बात का कि मुझे कुछ आज मुझे कुछ अहमियत ही नहीं दी इसने, आज ये इतना बड़ा हो गया और ये तंदुरुस्त तवाना हो गया। में अपने अपनी सोच की बात है, अगर ब्रॉड माइंडेड बाप माँ बाप होंगे तो ये जो फ़र्क होता है जनरेशन गैप जो कहलाता है, इसका ही बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बहुत कम बच्चे रह गए क्योंकि मादियत का दौर है, आजकल लोग माल की तरफ ज़्यादा हैं, दीन तो है, वो भूल चुके हैं, दीन से भी दूर हो चुके हैं। तो जिनमें दीनदारी है वो आज भी यही करते हैं, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ सऊदी अरब की आपको, वो बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं वो अपने घर में इसको राइज करें कि बच्चों को अपने कहें कि जब वो बाहर से आएँ तो अपने बाप का माथा चूमें, हाथ चूमें, बहुत बड़ा दिल होगा। दूसरे उनकी तारीफें शुरू करें जो उनकी कारकर्दगी हैं, किस तरह उन्होंने सारी सारी रात आपके लिए झेलाया, मेहनत कर करके आपके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है। और मैं माँ बाप से भी ये बात कहूँगा कि उनकी सही तरबियत करें बच्चों की बचपन से लेके, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एसी का, पंखे का, कूलर का इंतज़ाम करते रहते हैं, लेकिन उनकी जन्नत में भी इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम करें आप, वहाँ भी उनकी गर्मी का जो है परवाह करें कि वहाँ ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता दोज़ख की गर्मी में उन्हें झुलसाया जाए। यहाँ आपने तमाम तर चीज़ें उनकी पूरी कर दी, वहाँ की कोई फिक्र ना करी आखिरत की, तो ये बड़ा खसारा है। इसलिए अपने बच्चों की यहीं से तरबियत, उन्हें मयाना रवि सिखाएं, बचपन से ही उनके लिए इस तरह के इंतजाम करें कि उन्हें बताएं कि बेटे ये चीज़ ऐसी है, अगर आपके पास है भी माल तब भी उन्हें फजूल खर्ची से बचाएं, तब भी उन्हें हराम इल्म से बचाएं, हराम कामों से बचाएं, हराम देखना, हराम छूना, इन सब चीज़ों से उनकी तरबियत करें जिससे कि उनकी आखिरत भी संवरे और आपकी भी। मुझे सर ये तो मैंने बात की उनकी जहाँ दोनों माँ बाप हयात हैं अभी, अब मैं उधर आ रहा हूँ, अगर किसी की बीवी अगर ख़त्म हो गई है, उस आदमी की सबसे बुरी गत बनती है घर के अंदर, क्योंकि बहुएँ हैं, बहुओं का अलग लिहाज है उसको, उस आदमी को बच्चों की किस कदर ज़रूरत है जब वो अपने काम से लौट करके आते हैं, उसकी दिलजोई की किस कदर ज़रूरत है उस आदमी को। असल में मैं तो दूसरे तरीके से सोचता हूँ, जिसे मेरे नज़दीक तो माँ बाप जिन में से जो भी, अगर बच्चे कम हैं तो माँ की भी शादी करा देनी चाहिए औलाद को, और बाप की भी शादी करा देनी चाहिए इस उम्र में, 60-65 साल की उम्र में। हाँ, शादी मेरी बात सुनो आप, इस उम्र में उधर तो तवज्जो नहीं रहती सेक्स की तरफ, लेकिन बहुत ज़रूरत होती है पार्टनर की। मैंने देखा है अपने ससुर को, सालों हो गए उन्हें बेवा, मतलब उन्हें
उनकी वाइफ को गए हुए, और मैंने अपनी माँ को भी देखा है कि उन्होंने 35 साल 30 साल के करीब हमारे वालिद के बिना गुजारे और किस तरह गुजारे। मैंने तो जब मैं छोटा था 18-19 साल का, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ किसी तरह शादी कर ले, मगर हम 9 बहन भाई थे इसलिए मेरी माँ ने बिल्कुल मतलब बहुत छोटी उम्र में विवाह हो गई। इस खित्ते में यहाँ तो ये गाली समझी जाती है। असल में मैं इसीलिए जहन ही खोल रहा हूँ, मैं लोगों को ब्रॉड माइंडेड कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि कितनी ज़रूरत होती है पार्टनर की। आप तो अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चले गए, अपने बच्चों के साथ बंद हो गए, बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए, बाप जो है वो सिसक की ज़िंदगी गुजारता है। अगर आप उसे कोई अच्छा कोई पार्टनर ऐसी कोई बेवा या कोई ऐसी कोई तलाकशुदा अपने रिश्तेदारों में देख लें, उम्र चाहे उससे ज़्यादा हो कम हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम से कम वो उसके अपने दिल की बात, अपनी ज़रूरत है, अपने कपड़े, अपने जो नहीं कह पाता वो बब्बू से, वो कम से कम उससे कह के करा तो लेगा। अगर आपकी हैसियत है तो आपको ये चाहिए कि आप अपने बाप के लिए वो इंतज़ाम कर दें और बिना लोगों की परवाह करें। असल में यहाँ मैं एक बात बता दूँ, हम लोगों की परवाह करते हैं, अल्लाह की परवाह नहीं करते, जबकि हमें परवाह अल्लाह की होनी चाहिए। अपने बाप की आखिरत बचाएं, वो सिसक के घुट घुट के जिए, वो आपके लिए अंदर से उसके बद्दुआ निकले, आपकी बहू कोई काम ना करे, आप उस पर तवज्जो ना दे पाएँ, तो कम से कम उसका बहुत सारा वक्त डाइवर्ट हो जाएगा। अपनी बीवी के साथ वो थोड़ी तफरी भी कर ले, बैठ के बात भी कर ले पिछली बीवी, और ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक ज़िंदा रही हुज़ूर ने कोई निकाह नहीं किया, लेकिन उनकी फौतगी के बाद तो हुज़ूर ने कई निकाह किए। तो अगर आपकी माँ मर भी गई तो आप अपने बाप के लिए दूसरी माँ ला के दें। आप मेरी बात को ये ना समझें कि मैं कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मुमकिन है, लोग करते हैं। मेरे सामने की बात है कि लोगों ने इस उम्र में 80-80 साल की उम्र में शादी की और बाकी 5 साल जो उनके गुजरे हैं ज़िंदगी के, 85 में उनकी डेथ हो गई। मेरे अपने रिश्तेदारों में 5 साल उनके बहुत बढ़िया गुजरे, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार शादी करने को कहते हैं तो उनके बच्चे किसी कीमत पर तैयार नहीं होते कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई ये देखना अल्लाह क्या कहेगा। आपने अपने बाप के लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि उसका बाकी का टाइम बेहतरीन गुजर गया, तो आप यकीन करें आपने उसके लिए भी जन्नत ले ली और अपने लिए भी जन्नत ले ली। जी मिर्ज़ा साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बाप की अहमियत को बताई, हालांकि इसको बयान तो नहीं किया जा सकता।